नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू न्यू मून एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ विल वृक्ष के पत्ते के बारे में। तो विल वृक्ष के पत्ते शंकर जी का आहार माने गए हैं, इसलिए भक्त लोग बड़ी श्रद्धा से इन महादेव के ऊपर इन्हें चढ़ाते हैं। शिव जी की पूजा के लिए विल पत्र बहुत जरूरी माना जाता है और शिव भक्तों का विश्वास है कि पत्तों के तीनों परपण शिव के तीनों नेत्रों को विशेष रूप से प्रिय हैं। भगवान शंकर को विल पत्र बेहद ही प्रिय है। अगर किसी की विल वृक्ष के नीचे मृत्यु हो जाए तो उसको मोक्ष मिलता है। वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की सबसे ज्यादा क्षमता रखने वाला विल वृक्ष ही होता है। 4, 5, 6 या 7 पत्तों वाले विल पत्रक पाने पर परम भाग्यशाली और शिव को अर्पण करने से अनंत गुना फल मिलता है। बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश होता है और बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है। सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है और बेल वृक्ष को सींचने से पितर तृप्त होते हैं। बेल वृक्ष और सफेद आकरे के जोड़े को, जो आकड़े का जोड़ा होता है, लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बेल पत्र और ताम्र धातु के एक विशेष प्रयोग से ऋषि मुनि स्वर्ण धातु का उत्पादन करते थे। जीवन में सिर्फ एक बार, और वो भी यदि भूल से भी अगर शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ा दिया जाए तो उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। बेल वृक्ष का रोपण, पोषण और संवर्धन करने से महादेव से साक्षात्कार करने का अवश्य लाभ मिलता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि विल वृक्ष पेड़ को आप जरूर लगाएं और विल पत्र के पेड़ को कभी भी क्षति ना पहुंचाएं। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शिव जी की पूजा में कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो इस शिवरात्रि के उपलक्ष्य में मैं आपको बताने जा रही हूँ। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को कौन कौन सी चीज चढ़ाने से क्या क्या फल मिलता है, मैं आपको वो भी बताने जा रही हूँ। किसी भी देवता का पूजन करते वक्त आपको अनेक चीजें अर्पित की जाती हैं। प्राय भगवान को अर्पित की जाने वाली हर चीज का फल अलग अलग होता है। शिव पुराण में इस बात का वर्णन है और वर्णन भी मिलता है कि भगवान शिव को अर्पित करने वाली अलग अलग चीजों के क्या क्या फल हैं। तो अब मैं इसके आपको फल बताने जा रही हूँ कि शिव पुराण के अनुसार कौन सा अनाज शिव भगवान को चढ़ाने से क्या फल मिलता है। जैसा कि कल शिवरात्रि है, इस उपलक्ष्य में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भगवान शिव को चढ़ाने से अगर आप चावल चढ़ाते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है। अगर आप भगवान शिव को तिल चढ़ाते हैं तो पापों का नाश हो जाता है, और अगर आप जौ अर्पित करते हैं सुख समृद्धि में आपके घर में वृद्धि होती है, और भगवान शिव को गेहूं चढ़ाने से संतान वृद्धि भी होती है। ये सभी अन्न भगवान को अर्पण करने के बाद गरीबों में वितरित करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को कौन सा द्रव्य चढ़ाने से क्या फल मिलता है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि अगर आपको फीवर या बुखार या कोई भी ऐसी बीमारी चल रही है तो उस समय भगवान पर जलधारा चढ़ाने से शीघ्र लाभ मिलता है और संतान सुख में भी वृद्धि होती है। तेज दिमाग के लिए अगर आप शक्कर मिश्रित दूध भी आप शिवरात्रि के उपलक्ष्य में अगर भगवान को चढ़ाएंगे तो आपको उसमें भी फायदा होगा। सुगंधित तेल या भगवान शिव का अभिषेक करने पर समृद्धि में वृद्धि होती है। शिवलिंग पर ईख यानी गन्ने का रस अगर चढ़ाया जाए तो आनंदों की प्राप्ति होती है। शिव को गंगा जल चढ़ाने से भोग व मोक्ष दोनों की ही आपको प्राप्ति होगी। मधु यानी शहद भगवान को चढ़ाने या शहद का अभिषेक कराने से आपको राज्य योग की प्राप्ति होती है, और जैसा कि आपने देखा है कि ट्यूबरक्लोसिस जैसे जो रोग होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस प्रकार की कोई बीमारी है तो मैं बोलूंगी कि आप इस शिवरात्रि के उपलक्ष्य में भगवान को मधु का अभिषेक जरूर करें। दूसरा, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को कौन कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। भगवान को लाल व सफेद आंकड़े के फूल जो है भगवान को अति प्रिय हैं, तो आप शिव भगवान के पूजन में उसको आप चढ़ा सकते हैं, उससे आपको भोग व मोक्ष की प्राप्ति होती है। चमेली के फूल से पूजन करने पर वाहन सुख की प्राप्ति होती है। अलसी के फूलों से शिव का पूजन करने से मनुष्य को भगवान विष्णु को प्रिय हो जाता है, और शमी के पत्रों से पूजन करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। बेला के फूल से पूजन करने पर सुंदर व सुशील पत्नी की भी प्राप्ति होती है, और कनेर के फूलों से शिव भगवान का पूजन करने से नए वस्त्र मिलते हैं।
हर श्रृंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख समृद्धि में और संपत्ति में भी वृद्धि होती है। जैसा कि धतूरे के फूल आप लोगों ने सुने होंगे, धतूरे के फूल से भी पूजन करने पर भगवान शंकर को चढ़ाने पर योग्य पुत्र की आपको प्राप्ति होती है और जो कुल आपका रोशन करने वाला होता है। और जैसा कि आपने देखा, दुर्वा से पूजन करने पर आयु में भी वृद्धि होती है। तो आज मैंने आपको शिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव भगवान से जुड़ी क्या द्रव्य, कौन से फूल और आपको कैसा अभिषेक करना चाहिए वो मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।